नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ मेघा भाटिया। बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर अजय देवगन जी अब एक प्रोड्यूसर लाइन में अपना कदम रखना चाह रहे हैं। जी हाँ, वो एक्टिंग छोड़ के अब पूरी तरह अपना जो फोकस है वो एक प्रोड्यूसर लाइन में रखना चाह रहे हैं। हाल ही में उनसे उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं धीरे धीरे अपना फोकस जो है प्रोड्यूसर लाइन में रख रहा हूँ। इससे पहले भी वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं। फिल्म प्रोड्यूसर रहने की भी एक वजह है, क्योंकि उन्होंने कहा कब तक हम एक्टर्स स्ट्रीम लाइन में बने रहेंगे, कब तक हम लोगों को हम एक्टर्स को करेंगे, इससे पहले कि वो हमें खुद बाहर निकाले हम खुद बाहर निकल जाते हैं। जी हाँ, अजय देवगन ने ऐसा एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अब एक्टिंग आगे करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं एक्टिंग ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। मैं धीरे धीरे अपना जो करियर है, आगे का जो मेरा फ्यूचर है, वो मैं प्रोड्यूसिंग लाइन में लगाना चाहता हूँ। अपनी पूरी ज़िंदगी अब मैं प्रोड्यूसिंग में करना चाहता हूँ। उन्होंने ये उनसे एक और इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए कि वो क्या लाइमलाइट में नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा जी हाँ, मैं बिल्कुल रहना चाहता हूँ, कौन नहीं लाइमलाइट में रहना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वो खुद उनको वहाँ से बाहर निकाले, हमें खुद बाहर निकल जाना चाहिए। जी हाँ, अब उनका कहना ये है कि अब हम मेन रोल में नहीं नज़र आएंगे, शायद मुझे कभी किसी का करेक्टर दिया जाएगा या तो कुछ और। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो अपना जो आगे का फ्यूचर है वो प्रोड्यूसिंग लाइन में ही चुनेंगे। अभी हाल ही में ही इंडस्ट्री में उनको, अजय देवगन को 30 साल पूरे हो चुके हैं। अजय देवगन की अभी ही लेटेस्ट एक नई फिल्म की प्रमोटिंग के लिए वो काफ़ी बिजी चल रहे हैं। जी हाँ, उनकी फिल्म तानाजी को लेकर, उनकी प्रमोशंस को लेकर वो काफ़ी बिजी हैं। वो और काजल, उनकी बीवी जो काजल है, दोनों एक ही मूवी में नज़र आ रहे हैं। दोनों ही मूवी की प्रमोशंस के लिए किसी टीवी शो या इवेंट में स्पॉट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब इस फिल्म के बारे में अजय से पूछा गया, तो अजय ने एक जवाब दिया कि हाँ, जब उनसे पूछा गया कि आपको इस फिल्म की रिलीज डेट से डर लगता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, डर तो नहीं लगता, लेकिन मुझे चिंता रहती है, क्योंकि एक पिक्चर को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। जो इनके पीछे का काम होता है उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। इसमें सिर्फ जो मेन लीड रोल होता है उन्हीं का काम नहीं होता, बाकी जो इसके पीछे का सारा काम होता है, या फिर जो उनके को एक्टर्स होते हैं, या जितने भी लोग उस फिल्म में होते हैं, उन सभी की मेहनत लगती है। तो लोग ये पिक्चर देखने ज़रूर जाएं, और ज़रूर हम सारे लोगों को बढ़ावा दें, हम लोगों को हमारे पिक्चर को पसंद करें, और अगर कुछ उनको ऐसा गलत उनको गलत ना लगे। तो उन्होंने एक एक मैसेज अपने मतलब व्यूअर्स के लिए भी दिया। और वहीं अगर मैं बात अजय देवगन की, तो अजय देवगन बहुत एक अच्छे एक्टर रहे हैं। अजय देवगन ने ये सारी चीज़ें, अपनी खूबियाँ अपने पिता से अपनाई हैं। अजय ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मैंने ये सारी खूबियाँ, तानाजी वगैरह सारी चीज़ों की खूबियाँ मैंने अपने पिता से अपनाई है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ, तो उन्होंने ये भी कहा, मैं अपना करियर जो है प्रोड्यूसिंग लाइन में ही रखना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप अपने काम को लेके कब सीरियस हुए थे, तो उन्होंने कहा, जब मैं पहले दिन अपनी शूटिंग पे पहुंचा था, फिल्म सेट पे पहुंचा था, मैं तब से ही उसी दिन से सीरियस था। अगर आप किसी काम को करना चाहते हो, तो आपको उसी टाइम से ही सीरियस होना पड़ेगा, तभी आप ये काम नहीं कर सकते। तो इस पे ही उन्होंने एक बात भी कही कि मैं अगर प्रोड्यूसिंग लाइन में जा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए भी काफ़ी सीरियस हूँ। अब देखना ये होगा कि बॉलीवुड में अपना एक अलग सा मुकाम बनाने के बाद, क्या प्रोड्यूसिंग लाइन में अजय देवगन कैसा अपने आप को दर्शाएंगे। बाकी की सारी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।